गया पुलिस के द्वारा लगातार कुख्यात अपराध कर्मियों एवं नक्सलियों की गिरफ्तारी के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। और वैसे अपराध कर्मी जो काफ़ी समय से फरार चल रहे हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए पुरस्कार की भी घोषणा कराई जा रही है। इसी क्रम में कमलेश रवानी उर्फ कमलेश राम, जो कि महाकाल थाना कांड संख्या 16-19 जिसमें फरार चल रहा था, उसकी गिरफ्तारी के लिए 1 लाख रुपये का इनाम इस पर घोषित करवाया गया था। उसके बारे में यह सूचना मिली कि यह जो नक्सली है, जो कि घोसी थाना जिला जहानाबाद का रहने वाला है, वो खीजसराय थाना अंतर्गत ग्राम जोल बिघा के पास देखा गया है। तो गया पुलिस की टीम तथा एसटीएफ की टीम के द्वारा वहां पर संयुक्त रूप से छापेमारी किया गया। तो वहां पर खीजसराय थाना अंतर्गत ग्राम जोल बिघा से इस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। इसके ऊपर कई सारे मामले, संगीन मामले दर्ज हैं, जिसमें अभी तक 4 मामलों का पता चला है, जिसमें महकार थाना कांड संख्या 16-19 में लेवी मांगने के लिए कई नक्सली वहां पर आए थे, और उसके बाद पुलिस की टीम के द्वारा वहां पर कुछ नक्सलियों को पकड़ा गया था, हथियार भी बरामद हुआ था, जिस संबंध में 16-19 कांड दर्ज कर अगतर कार्रवाई की जा रही थी। उस मामले में यह फरार चल रहा था। इस मामले में अभी तक पूर्व में 5 नक्सलियों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा चुका था। अभी तक जो जानकारी प्राप्त हुई है, इस पर गया जिला के मुफस्सिल थाना में भी 2016 में नक्सल कांड इस पर दर्ज है। घोसी थाना में भी SC ST एक्ट के कांड में यह सम्मिलित रहा है, जिसमें घोसी थाना कांड संख्या 20-16 दर्ज किया गया था और आम सैकड़ केस में, और नालंदा के भी थरथरी थाना में यह नक्सल गतिविधियों में शामिल था। तो 2008 में इस पर एक कांड दर्ज किया गया है। तो कुल मिलाकर के 4 कांड इस पर दर्ज अभी तक पाए गए हैं, और यह महकार थाना से के मामले में इसको गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। इसी प्रकार से लगातार अन्य नक्सलियों एवं अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार अभियान जारी रहे।